السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها वम منها وكان الله على كل شيء मिनह वक़ानल्लुआलाकशम मुताजत الكرام سورة النساء सूर نمبر 4 और इसी सूरत से अभी आपके सामने आयत नंबर 84, 85 यानी 84 और पचासी ये दो आयत आपके सामने तलावत की गई साम कराम तबारक वाली ने इन दोनों आयत के अंदर ईमान वालों के लिए और मुसलमानों के समाज और माशरे के लिए कुछ ऐसी बातें बयान की हैं जिनके अंजाम देने के ऊपर मुसलमानों को अजर स्व भी है और समाज व माशरा अमन व सुकून का गहवारा भी बनेगा अल्लाह तबारक वाल ने पहली आयत करीमा में डायरेक्ट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखातब फ़रमाया और अल्लाह तबारक वाली ने कहा फ़कातिल सभी ला ए नबी सल्ला वसम तो आप अल्लाह के रस्ते में जिहाद कर लीजिए यानी आप अल्लाह के रस्ते में जिहाद कीजिए फ़ातिल फ़ी सबीर चुनानचे अहम्मद सल्ला व्लम आप अल्लाह के रस्ते में जिहाद कीजिए और आगे, आगे फ़रमाया ला तो कल्लफ़ु अफसख और आप अपने अलावा किसी दूसरे के जिम्मेदार नहीं हैं आपका काम है लोगों को तलकिन करना लेकिन जो नहीं आते हैं उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं वर रज़िल्मन और ईमान वालों को आप जिहाद के ऊपर तरगीब दीजिए उनको आमादा कीजिए उनके हौसले को बढ़ाइए मुआजत सामिन करम आयत करीमा में अल्लाह तबारक वाली ने अपने प्यारे रसूल अपने बंदे मोहम्मद अरबी सल्ला वसम को यह हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व ताली के, के दिन को बुलंद करने के लिए अल्लाह तबारक वाली के कलमे के सरबुलंदी के लिए और समाज व माशरे के अंदर अमन व सुकून क़ायम करने के लिए अल्लाह के रस्ते में जिहाद कीजिए यादर कि लोग जिहाद को बढ़ा हुआ बनाते हैं जिहाद के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि मुस इस्लाम जो है मुसलमानों को जिहाद करने का हुक्म देता है आप अभी इस रुव ज़मीन पर दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ नुकताची करते हैं इस्लाम के खिलाफ जारहत करते हैं इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया के अंदर नफरत भरी निगाहों से देखने पर लोगों के दरमियान बहुत सारी साजिशें रचते हैं आप उन मुल्कों का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको हमेशा उन मुल्कों के अंदर फितना व फसाद होता हुआ नज़र आएगा कोई भी खत् फित फसाद से बचा हुआ नहीं है कहीं पर कुछ फितना हो रहा है कहीं पर कुछ फितना हो रहा है लोगों की जान की कदर व कीमत नहीं है सामिनी कराम तबारक तला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम को इसलिए हुक्म दिया कि आप जिहाद कीजिए आप जिहाद कीजिए और आप लोगों को तरकीब भी दीजिए लेकिन याद रखिए याद रखिए आप लोगों के ज़िम्मेदार नहीं आप सिर्फ़ अपने ज़िम्मेदार हैं साम कराम इमाम इबन अबी हातिम ने इस आयत करीमा के तफसर में तफसीर इबन अबी हातिम के अंदर एक रवायत नकल किया है रवायत नकल किया कि वो अबू इसहाक से रवायत किया उन्होंने और अबू इसहाक़ कहते हैं कि मैंने सैदना बराबिन आजिब रज़ी अल्लाहों से रवायत किया कि एक मुसलमान सौ मशरकों के ऊपर हमला करता है किसी वजह से हमला करता है मुश्रकों ने उसके ऊपर हमला किया था वो उसके ऊपर हमला कर रहा है या अल्लाह तबारक वाल के दीन को मिटाने के लिए आ आ आया है तो उस पर हमला कर रहा है याद रखिए इस्लाम ऐसे ही चुपके तलवार उठाने की इजाजत नहीं देता है इस्लाम ऐसे ही चुपके तलवार और टैंक और जो है बंदूक उठाने, उठाने की और हथियार उठाने की इजाजत नहीं देता है बल्कि इस्लाम के अंदर जंग करने के लिए जिहाद करने के लिए कंडीशन है और पहली कंडीशन ये है कि इस्लाम का नाम मिटाने के लिए लोग दरपे हो जाएं। दूसरी कंडीशन यह है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती की इंतहा करके मुसलमानों को एक जगह पर इस अंदाज में मजबूर कर दे कि मुसलमान बिल्कुल बेबस हो जाए ऐसे लोगों की आजादी के लिए भी इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि आप जिहाद कीजिए तो अबू इसहाक ने बरा बिन आजिब रजी अल्लाह से पूछा कि एक मुसलमान है जो सौ दुश्मनों के ऊपर हमला करता है या सौ दुश्मन उसके ऊपर हमला करता है तो वह मुसलमान उसके लिए जंग करने पर आमादा हो जाता है तो क्या ये अपनी जान को हिलात में डालना है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताली ने कुरान करीम में यह फरमाया है वला तुल्को इला कमलुका अपने आप को हिलाकत में मत डालो तो क्या ये जान को हलाकत में डालना है कहा कि नहीं ये जान को हिलात में नहीं डालना है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताली ने अपने नबी को यह हुक्म दिया है फ़ातिल फ़ी सबी आप अल्लाह के रस्ते में जिहाद कीजिए आज जिहाद का नाम सुनते ही लोगों के घिघी बन जाती है लेकिन ज़रा सोचिए कि आज जो दुनिया का बुरा हाल बना है उसकी वजह यही है कि मुसलमानों के अंदर बुजदली आ गई मुसलमानों के अंदर बुजदली आने की वजह से जगह जगह पे बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं वगरना आप मुल्कों के अंदर देखिए कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ के लोग बहादुर हैं तो वहाँ लोगों की पैंट गिरी हो गई हुई है लोगों को अपने हद में पढ़ने नहीं दे रहे हैं जहाँ के लोग बहादुर हैं जहां के लोग बहादुर हैं वहां बाल बाका नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जहां के लोगों ने बुजदिली दिखाई उन लोगों को जड़ से उखाड़ने की तैयारी हो रही है मोहतरम सामिन कराम तबारक तआला ने इसीलिए फ़रमाया कि फकातिल फ़ातिलफी बरा बिन आजिम ने कहा कि देखो अल्लाह ने तो अपने नबी को हुक्म दिया है कि फकातिल फ़ातििल्फी शबी तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद कीजिए वाला तो नफसक आप लोगों को तरगीब दीजिए लेकिन आप अपने जिम्मेदार हैं इसका मतलब क्या है कि अगर जहाद मुसलमानों की जमात के लिए ज़रूरी होगा और उस वक्त भी मुसलमानों की जमात अगर जहाद नहीं करेगी तो यकीन मुसलमान दुनिया में तो जलील रस्वा होंगे है होंगे ही आखरत में भी वो अल्लाह क्या माखूज होंगे इसलिए अल्लाह ने क्या कहा फ़ातलफी शबी ए नबी सल वम आप अल्लाह के रस्ते में जहाद कीजिए वला तो्ला नफसक और आप सिर्फ़ अपने ज़िम्मेदार हैं वह हर झुलमीन और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वालों को भी जिहाद पर उभारीए यानी मुसलमानों को तरगीब दीजिए कि आप जिहाद कीजिए जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम किताबुल इमारा की रवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मौके से जंग बदर के मौके से मुसलमानों के सफ़ को दुरुस्त कर रहे हैं मुसलमानों के सफ़ को दुरुस्त कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि तुम लोग उस जन्नत के लिए खड़े हो जाओ तुम लोग उस जन्नत के लिए तैयार हो जाओ जिस जन्नत की चौड़ाई जो है आसमानों और ज़मीनों के बराबर है तो मोहतरम शामिन करम यहाँ पर पैर रसूल अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी जिहाद की तरगीब देने के लिए बहुत सारी हदीसें जिसमें एक से एक हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम ने शे मुसलम किताबुल इमारा के अंदर रवायद किया है अबू सईद खुदरी रजी अल्लान इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि पैर रसूल अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू सईद ए अबू सईद जो आदमी अल्लाह तबारक व ताल के रब होने पर जो आदमी इस्लाम के दीन होने पर और जो आदमी मुहमद सल्ला वसलम के रसूल होने पर राज़ी हो गया उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने बहुत ताज्जुब किया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा इस बात को रिशात फरमाइए तो दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को रिशात फरमा दिया और कहा कि एक और चीज़ है एक और काम है कि अगर मुसलमान उस काम को करे तो जन्नत के अंदर उसको सौ दर्जों की बुलंदी से अल्लाह तबारक तआला नवाजेगा कहा कि वो क्या चीज़ है कहा कि देखो एक और चीज़ है कि जिस काम को अगर मुसलमान अंजाम दे जन्नत के अंदर उसको सौ दर्जों की बुलंदी से अल्लाह नवाजेगा और हर दर्जे के दरमियान जितनी लंबाई जितनी दूरिया इस जमीन और आसमान के दरमियान है हर दर्जे के दरमियान उतनी दूरी होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अबू सईद ने कि वो क्या काम है कहा कि अल्लाह के रस्ते में जिहाद करना तो मुआजत सामीन के नाम यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने इसी बात को बयान किया है दरअसल एक अंदाज़ में तरगीब दिलाई है कि तो मुसलमानों अगर समाज व माशरे में अमन व सुकून चाहते हो अपने लिए जिहाद को लाजिम करो अगर समाज और माशरे में अमन सुकून चाहते हो क्यों आगे अल्लाह तबारको व तआला ने फरमाया अल्लाह ने फ़ातिल फी सबील अः मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रस्ते में जिहाद कीजिए ला तो इल्ला अफसक और आप सिर्फ अपने जिम्मेदार हैं वह हर रजिल्मिन और मुसलमानों को भी जिहाद के लिए तरगीब कीजिए क्यों असल्लाहु अब असल गफर वो करीब है मुमकिन है कि अल्लाह तबारक वाली काफिरों की जंग को रोक दे कैसे रोक देगा अगर आप जंग के लिए तैयार हो जाए और आपके साथ मुसलमान भी जंग के लिए कमर बस्ता हो जाए और आपकी एक्टिविटीज़ को देख लें अगर कुफ़ार मुशरकिन तो वो डर से रुक जाएंगे असल बात वही है असल बात वही है आप मुल्कों का जायजा लेंगे मुसलमानों को जो पीसा जा रहा है उसमें सबसे बड़ी बात बुजदली है अगर मुसलमानों के अंदर बुजदली ना रहे अब जाहिर सिपाए तो कोई हमको मारने आएगा तो हम क्यों चुप रहेंगे भाई सवाल यह पैदा हो रहा है कोई अगर हमें मारने के लिए आए अभी अभी क्या होता है रिश्तों में नातों में समाजों में माशरे में एक मुसलमान ने अगर किसी मुसलमान को एक जुमला बोल दिया वो उसको बर्दाश्त नहीं है वो उसको बर्दाश्त नहीं है और गैर लोग आकर के हमारे नामों निशान को मिटाना चाहते हैं वो हमको बर्दाश्त है बुजदिली से झेल ले रहे हैं बुजदिली से झेल ले रहे हैं अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि अगर ए मोहम्मद आप और मुसलमान जंग के ऊपर कमर बस्ता हो जाएंगे तो ये कुफ़ार मुशरिकीन आप लोगों की एक्टिविटी को देख करके डर जाएंगे रुक जाएंगे वो क्योंकि बुजदिल हैं वो लोग वो लोग बहुत बुजदिल हैं वो लोग उनकी बुजदी की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है कि वो लोग कितने बुजदिल हैं वोजत सामीन कराम अल्लाह तबारक वाली ने कहा कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे असल्हुअफ असल्दीन गफ़रू अगर ए नबी वसल्लम आप जिहाद के लिए आगे बढ़ेंगे आप मोमिनों को तरगीब देंगे तो मोमिन भी जिहाद के लिए कमर बस्ता हो जाएंगे और ऐसा मामला होगा असल कुफ अब असलिन गफ़रु तो अल्लाह तबारक वालफ मुशरकिन के जंग को रोक देगा वो जंग से रुक जाएंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उनको अपना भी डर है और अगर फिर भी वो नहीं रुके और आगे बढ़े तो ये हुक्म देने वाला कौन है अल्लाह तबारक वाली अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लु अशद्दबासन अल्लाह तबारक वाली से सख्त लड़ाई कर कोई नहीं कर सकता है जितनी सख्त लड़ाई अल्लाह करने कर लेगा कोई नहीं कर सकता है अल्लाह ताला निमटने पर कािर है वह अशद्द तनकीला और अल्लाह तबारक वाली से ज़्यादा सख्त अजाब भी कोई नहीं दे सकता है अल्लाह ताला उनकी पकड़ करेगा और उनसे अल्लाह ख़ुद नहीं पट लेगा और उसके बाद अगली आयतः करीमा में अल्लाह तबारक वाल ने समाज माशरे के हिसाब से भी और ऊपर जो बातें बयान की गई उस हिसाब से भी एक उसूल बयान किया अल्लाह ने फरमाया मैं यशफा शफाअता हसनतई या कुल्लु नसिब मिना अगर कोई किसी को अच्छा मशवरा देता है अगर कोई किसी को अच्छा मशवरा देता है जिस मशवरे के नतीजे में खैर भलाई आने वाला है तो अच्छा मशवरा देने की वजह से जो अजर षवाब काम करने वाले को मिलेगा वही अजर सवाब मशवरा देने वाले को भी मिलेगा और आगे फरमाया वमन यशफा शफा आतान सई अतन यकुल्लहू किफुलम माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं लोगों को बुराई की तरफ मादा करते हैं गलत काम की तरफ मादा करते हैं आप उनको कुरान और हदीस की दावत दीजिए कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उनको गलत रास्ते पर चलने की तलकिन करने वाले क्या उसके साथ जाओगे यार ये काम करो अरे बाप दादा को देख करके करो क्या ज़रूरत है सब काम करने की कमाओ धमाओ मस्ती से खाओ पियो ऐसा मशवरा देने वाले भी लोग भी होते हैं तो कहा कि वह मैं यशफा शफा अतन सैन याकुल्लहू किफ़लमहा और जो आदमी किसी को बुरा मशवरा देता है तो बुरा मशवरे का आज़ाब क्योंकि बुराई पर वो अमल करेगा तो उसका आजाब इसको भी मिलेगा अच्छा मशवरा देने पर अल्लाह तबारक सवाब से नवाजता है इस सिलसिले में हदीस है सहेलबारी किताब ज़क़़ात की अब वूसा अशरी रज़ी अल्लाह कहते हैं कि प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम के पास कोई सवाल करने वाला आता तो आप वसल्लम साहब कराम को कहते हैं कि ये सवाल कर रहा है तुम लोग सिफारिश करो मैं उसके सवाल को पूरा करूँगा तुम लोग सिफारिश करो तुमको अजर ववाल मिलेगा क्यों क्योंकि सिफारिश करने पर अजर ववाल मिलता है अब किसी को खैर भलाई का काम करवाना है किसी का कुछ अच्छा काम करवाना है किसी काम के करने से खैर भलाई समाज माशरे के अंदर मुरतब होगी और उस काम के लिए अगर हम लोगों को उभारते हैं लोगों को तरगीब देते हैं तो उसका अजर सवाब अल्लाह तबारक व ताली हमको भी देगा लेकिन अगर किसी को बुराई की तरफ ले जाएंगे तो उसका गुना हमारे ऊपर पड़ेगा आगे अल्लाह तबारक वाली ने फरमाया वकान अल्लाह अलाकुल्लेशमकीता और अल्लाह तबारक वाली हर चीज़ के ऊपर निगहबान है हर चीज़ का बदला देने के लिए काफ़ी है अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताली हम तमाम को इन तमाम बातों के ऊपर खूब खूब गौर वफ़िक्र तदब्बर करने के साथ साथ इन बातों के ऊपर अमल करने की भी तोफ़ी इनायत फरमाए आमीन